खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा गणपति पंडाल में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी भक्तगण प्रसाद लेते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा विगत 30 वर्षों से रीवा के सराफा मार्केट फोर्ट रोड में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही, वहीं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र युवा क्लब के प्रवक्ता रोहित पाटिल ने बताया कि विगत 30 वर्षों से गणेश उत्सव महाराष्ट्र युवा क्लब द्वारा रीवा में मनाया जा रहा। इस पंडाल पर महाराष्ट्रीयन आरती के साथ पूजा की शुरुआत की जाती है और सुबह शाम मोदक का भोग लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पाटिल है, मैं महाराष्ट्र युवा क्लब का प्रवक्ता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। ये मराठा मंडल का परिवार है जिसको महाराष्ट्र युवा क्लब के नाम से इस पंडाल को जानते हैं। ये विगत 25 और 30 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसलिए ये बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर सुबह शाम महाराष्ट्रीयन आरती के साथ शुरुआत होती है, पूजा होती है, काफ़ी भीड़ होती है, रोज़ मोदक का यहाँ पर भोग लगाया जाता है, आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, शाम को 6 बजे हवन का कार्यक्रम होगा, कल बाकायदा धूमधाम से झांकी के साथ किला से अपना शोभा यात्रा निकाली जाएगी।